आपका मुख्य द्वार अगर इस समय आप थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देंगे तो यकीन मानना आपके जीवन में बिना बहाने के ही पैसा ऐसे चला आएगा जैसे हवा के फ्लो से कोई भी आपके ज़िंदगी में आता है। मतलब आप समझ गए होंगे, हवा का फ्लो जिस तरफ होता है, हवा का रुख जिस तरफ होता है, वहाँ खुशियाँ बहती हैं, क्योंकि हवा में श्वास की गति होती है। हवा के द्वारा हम श्वास लेते हैं, हालांकि श्वास की प्रक्रिया भिन्न है, लेकिन हवा बहुत ज़रूरी है। ऐसा बोलते हैं ना, हवा पानी बदल दो आपका उद्योग धंधा चलने लग जाएगा। तो ये इसी बात को मैं स्पष्ट करना चाह रही हूँ अपने वाक्यों के द्वारा। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमाश्री, आज बेहद ख़ास पेशकश आपके लिए है। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करके पुण्य लाभ कमाएं और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम और जय हनुमान अवश्य ही प्रेषित करें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार डॉक्टर उमाश्री चैनल पर आए हैं तो मैं आपसे विनती करती हूँ, इस चैनल को अपना बनाइए सब्सक्राइब करके और इस चैनल को बहुत प्यार दीजिए जिससे आप गौरवान्वित हो सके और अनगिनत वीडियो जो मैं डालती हूँ उसका लाभ आपको मिल सके। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके लिए लाभदायक है। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट उमाश्री, डॉक्टर उमाश्री। आप मुझसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमारे घर में कई गेस्ट आते हैं जो हमारे हितैषी नहीं होते हैं, लेकिन जो असली शुभचिंतक होते हैं अगर वो हमारे घर में कुछ देर ठहरें तो उनका आतिथ्य सत्कार आपको ज़बरदस्त तरीके से करना चाहिए। अतिथि सत्कार जिस घर में किया जाता है उस घर में देवताओं का निवास होता है, उस घर में पितरों की कृपा आप पर बरसती है। स्पेशली आपके जो पूर्वज हैं उनके मित्रगण आपके घर में श्राद्ध पक्ष में आते हैं तो उनको अतिथि सत्कार से सराबोर कर दीजिए, भाव विह्वल कर दीजिए जिससे आपको उनका आशीर्वाद मिल सके। ये तो पहला उपाय है। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए घर खुला छोड़ दीजिए या मेन गेट खुला छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए। इसके लिए पीछे का रीज़न भी आपको बताने वाली हूँ, जानकारी अच्छी लगेगा तो इसको शेयर करना और लाइक भी ज़रूर करना। ये अद्भुत जानकारी आपको देने जा रही हूँ। तो आपके जो पूर्वज हैं, पुरखे हैं, उनके कुछ मित्र गण आपके घर श्राद्ध पक्ष में अगर आए हैं तो आप मुख्य द्वार को कुछ देर के लिए खुला छोड़ दीजिए, उनकी पॉजिटिव वाइब्रेशन को महसूस करिए और उनको भाव विह्वल करिए अपने अतिथि सत्कार से, जो आपको आशीर्वाद देने पर मजबूर हो जाएं। एक तो ये उपाय है, लेकिन ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी मेन गेट को खुला छोड़ सकते हैं जब आपके जीवन में ये अवसर आए। कोई भी आपका शुभ चिंतक आपके घर आए और हंसता हुआ जाए, हंसता हुआ थोड़ी देर गेट पर ठहर कर आपसे वार्तालाप करे तो आपको मुख्य द्वार को कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। इससे आपको अद्भुत लाभ मिलता है और पैसे का संचार आपके जीवन में होता है और धन ही धन आपके जीवन में आने लगता है। खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम भी किसी से शेयर करने से हल्का हो जाता है, ऐसा कहा भी जाता है। लेकिन आपका कोई भी नहीं है तो ठाकुर जी के समक्ष आप अपने गम व्यक्त करें और उनसे अपने दुखड़े कहते हैं तो आपको ज़बरदस्त लाभ होता है। बांके बिहारी जी के दरबार में भी आप कोई मुसीबत है तो उसका जिक्र उनसे कर सकते हैं गुप्त रूप से, और उसका जिक्र अन्य किसी से भी ना करें, इससे ज़बरदस्त आपकी तकलीफ दूर होगी और आपको फ़ायदा होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। थैंक यू सो मच।